क्या नाम आपका? नाम नरेंद्र कुमार है जी। मैं नारनौल से हूँ जी। नारनौल से? हाँ। कहाँ जाना चाहते हैं? इसराइल जा रहे हैं। क्यों जाना चाहते हैं? क्या कर रहे हैं? काम करने के लिए। तो यहाँ काम नहीं है? काम तो है, लेकिन गवर्नमेंट भेज रही है जी। अच्छी इनकम के लिए जा रहे हैं? अच्छी इनकम भी है, घूम भी आएंगे। यहाँ एक कुएं का मेंटेक बन के रहते, बाहर जाके देखो। अजी क्या की बमबारी, जब सरकार भेज रही है अपने आप फैलटेगी। नाम महेंद्र कुमार स्वामी, राजस्थान से, चूरू जिला। अच्छा। यहाँ पे अभी इंटरव्यू चल रहा है ना, रोहतक में इंटरव्यू के लिए। यहाँ हरियाणा सरकार से इजराइल मांग की आदमियों की। अच्छा। वहाँ पे टाइल मेसन प्लास्टर वही काम। यहाँ काम नहीं है? काम नहीं है, फिर सैलरी बहुत कमती है। सैलरी ज्यादा है? 1,37,000 रुपया सैलरी बताइए। अभी थोड़ा शांति माहौल है, नहीं मालूम है, डर नहीं है बिल्कुल भी। गाजा पट्टी और हमास वो युद्ध चल रहा है ना इजराइल में, चल रहा है। फिर भी जाना चाहते हैं? क्यों? बहुत अच्छा एरिया है, शांतिपूर्ण वातावरण है, सैलरी है सबसे बड़ी बात। रणजीत सिंह जी, पंजाब से। अच्छा, यहाँ किस लिए आए हैं? इंटरव्यू देने के लिए। कहाँ पे जाना? इजराइल। अच्छा, किस माध्यम से पता चला लोगों को यहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है, इजराइल भेजा जा रहा है? एजेंट ने बताया था। एजेंट ने बताया था। अच्छा, कब अप्लाई किया था आपने? 20 जनवरी को। आपको लगता है कि आपको इजराइल है तो भेजा जाएगा? तो क्या करना चाहोगे? इंटरव्यू दे के जाएंगे। देख क्या करोगे? काम करने के लिए जा रहे हैं। और क्या काम? शटरिंग कारपेंटर का। वहाँ तो जैसे युद्ध पिछड़ा हुआ है तो वहाँ पे आप जाना चाहते हो? कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी मैं इराक में रह के रहा हूँ, वहाँ पे भी ऐसे ही चलता था। कोई दिक्कत नहीं है, जब मरना ला तो इधर भी मर जाना, वहाँ पे भी मर जाए उसके। देखिए, भारत सरकार और इसराइल सरकार के मध्य एक करार हुआ था, जिसके तहत भारत को भारतीय वर्कर्स जो हैं वो प्रोवाइड करेगा। एक ये पुल का नेशन टू नेशन लेवल पे स्तर पर ये चीज़ हुई थी। उसी के तहत भारत सरकार के स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास मंत्रालय के नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की टीम ने प्रत्येक राज्य को पत्र लिखकर इस तरह से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, एग्रीकल्चर वर्कर्स, जिन जो 3 सेक्टर हैं जिसमें काम होगा, उसके तहत उन्होंने आमंत्रित किए थे। हरियाणा सरकार ने सबसे पहले पहल करते हुए इसको स्वीकृत किया और इसी के तहत हरियाणा में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत जो ये 4-5 दिन का ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में आप रोजगार के लिए, विशेष रूप से कंस्ट्रक्शन वर्कर जो निर्माण के कार्य में काम करते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स जो स्वास्थ्य के सेवाएं देते हैं, और तीसरा एग्रीकल्चर वर्कर्स। फिलहाल कंस्ट्रक्शन वर्कर और आपका हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए एक तरह के एक स्क्रीनिंग हो रही है, जिसमें राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की टीम वो दिल्ली से आई है और इसराइल सरकार की टीम भी यहाँ पर आई है। हरियाणा सरकार का एक विशेष सेल है जो फॉरेन कॉरपोरेशन सेल है, जिसका कार्य भी, जिसका मैंडेट भी ये है कि हरियाणा का विदेशी सरकार, विदेशी निगमों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा निवेश के लिए और कॉरपोरेशन के लिए, जिससे कि हरियाणा के अंदर निवेश हो, फॉरेन निवेश हो और हरियाणा के विकास में और उसमें पंख लगें, इस तरह की जो पहल हरियाणा सरकार ने की है उसी के तहत ये आयोजित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय का ये जो प्रांगण आप देख रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। चूंकि यहाँ पे इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, इसके लिए इस स्थल पर एक स्क्रीनिंग की प्रोसेस चल रही है, और जिसके तहत ये जो आप देख रहे हैं, जो आपके सामने हैं, जो भी रोजगार के इच्छुक हैं, जो काम करने के इच्छुक हैं, उनको यहाँ पे स्क्रीनिंग करने के बाद वीडियो दिखाई जा रही है, बताया जा रहा है किस तरह का काम होगा, किस तरह की चीज़ होगी। ये एक पहल है, एक मैं कहना चाहूँगा कि सराहनीय पहल हरियाणा सरकार की है, और जो कि भारत और इसराइल के मध्य जो करार हुआ है उसके तहत है ये कार्यक्रम, उसके अंतर्गत है। देखिए, ये ऑन द स्पॉट भी है, क्योंकि ये अलग अलग स्तर पर इसका मोबिलाइज किया जा रहा है। आपका हरियाणा गवर्नमेंट का जो कॉरपोरेशन सेल है, फॉरेन कॉरपोरेशन सेल है, वो भी इन्वॉल्व है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो है वो भी इन्वॉल्व है, तो जैसे आ रहे हैं ऑन द स्पॉट भी मेरे ख्याल में स्वीकृत किया जा रहा है। चूँकि ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसके कुछ अपने प्रोटोकॉल हैं, तो वो सारी चीज़ें सरकार के स्तर पर है, जो मैं प्रारंभिक स्तर पर बातचीत बता सकता था, आपको सूचना मिलेगी।